साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे हम लोग जो है आज बात करेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग का। तो ब्रिज इंजीनियरिंग ये आपका एक सब्जेक्ट है एज ए सिविल इंजीनियर, और इससे जो है आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके JEE एग्ज़ाम्स में। जो भी आपके JEE एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सिविल बूस्टर बुक में जो भी चीज़ें दी गई है ये सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, और ये सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी JEE एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको क्विक रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर वन ऑफ द बेस्ट है ना, वन ऑफ द बेस्ट आप बुक कह सकते हो, या एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपका शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपका क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा है। जो आप अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाते हो उसके कंपैरिजन में ये आपका हेल्प करेगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बुक पढ़ लो, ओवरऑल एक जो आपका आइडिया है ना, जो आपने अब तक जो भी अलग अलग रेफरेंस बुक को लेकर पढ़ा है उसके देखते हुए ये आपको जो है हेल्प करेगा। तो चलो हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हैं। ब्रिज इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे आपका कोड्स यूज फॉर ब्रिज डिज़ाइन। ब्रिज को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो IRC इंडियन रोड कांग्रेस 5, ये जो कोड है ये आपका कोड है प्रैक्टिस फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिज का। IRC 6 2010, इसमें लोड एंड स्ट्रेस जो कि लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। वही अगर ओल्ड कोड IRC 6 2000 के बात किया जाए तो ये WSM पे बेस्ड होता है। IRC 21 जो है ये कोड ऑफ प्रैक्टिस है फॉर सीमेंट कंक्रीट LSM पे बेस्ड है, और IRC 22 ये आपका कंपोजिट स्ट्रक्चर के लिए है, और IRC 78 जो है ये आपका फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए है। यानी इन कोड्स में आपको जो है एक फिक्स्ड वैल्यू जो है दे दिया गया है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, इस कोड को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इस कोड को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है या आपने जो डिज़ाइन किया है इट में भी फेल है ना, वो आपका फेल कर सकता है एट एनी कंडीशन। ब्रिज जो है एक अरेंजमेंट होता है जिस पे जो कि मेड होता है टू क्रॉस ए ऑब्स्टेकल इन फॉर्म ऑफ लो ग्राउंड और स्ट्रीम और रिवर और ओवर गैप विदाउट क्लोजिंग द वे बीनीथ। ये जो ब्रिज है ये क्या है, एक तरीके का अरेंजमेंट है जो ऑब्स्टेकल होता है, जैसे नदी हो गया है ना, या दो पहाड़ के बीच में खाई बहुत ज़्यादा है, तो जो गैपिंग है ना, जो जिसे हम लोग पार ख़त्म नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को, तो उसको ख़त्म करने के लिए है ना, वो जो गैप होता है उस गैप को क्लोज करने के लिए हम लोग जो है ब्रिज बनाते हैं। तो ब्रिज एक अरेंजमेंट है, ये रिक्वायर्ड होता है फॉर पैसेज ऑफ रेलवे, रोडवे, फुटपाथ और इवन कैरीज फ्लूड। फ्लूड को कैरीज करने के लिए भी जो है ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट के बारे में बात किया जाए ब्रिज का, तो सबसे पहला कंपोनेंट है सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में कंपोनेंट में आपका लेवल ऑफ बियरिंग तक आपका आता है। ये कंसिस्ट करता है आपका पियर्स, अब्यूटमेंट, विंग वॉल्स, फाउंडेशन ऑफ पियर्स, अब्यूटमेंट एंड विंग वॉल्स, ये सभी जो है सब स्ट्रक्चर में आता है। वही अगर सुपर स्ट्रक्चर में बात किया जाए तो लेवल ऑफ बियरिंग के ऊपर का जो कंपोनेंट होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कंसिस्ट होता है बीम, गीडर, आर्चेज, केबल्स, पारापेट वॉल्स, फ्लोरिंग, गार्ड स्टोन्स, हैंड रेल, ये सभी। एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर के तौर पे आपका आता है अप्रोचेज है ना, गार्ड स्टोन्स, बियरिंग, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, एप्रोन एक्सेट्रा, ये सभी जो है एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर आपका होता है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये आपका स्कोर डेप्थ है ना, ये आपका पाइल है,
यहाँ पे ये आपका पाइल कैप है, ये आपका अब्यूटमेंट है, ये आपका अप्रोच रोड होगा या रेलवे रूट होगा, जो भी होगा। ये इधर आपका जो है ये आपका पियर है ना। यहाँ पे जो है आपका हाई फ्लड लेवल है, ये आपका फ्री बोर्ड है ना। ये बेड लेवल है आपका, और ये जो है आपका बियरिंग है यहाँ पे, ओके। ये आपका ब्रिज डेक है, पारापेट और क्रैश बैरियर है, और ये जो है आपका वाटरवे आपका जो है इधर से ऐसे जो है आपका फ्लो करेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको और बाइसेक्शन करके मतलब और तोड़कर समझाया गया है, पाइल, पाइल कैप, पियर, पियर कैप और बियरिंग। और ये बियरिंग से नीचे जो है आरसीसी पेडेस्टल होता है, लीनियर वाटर वे जो है L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेज, तो बेस्ड ऑन स्पैन, कलवर्ट, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, लॉन्ग स्पैन ब्रिज, अकॉर्डिंग टू मशीनरी, टिम्बर, मशीनरी, आयरन एंड स्टील, प्री स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू लोडिंग क्लास ए और 70R लोडिंग, ये परमानेंट ब्रिज होता है, और क्लास ए एंड क्लास बी ये टेम्पररी ब्रिज आपका होता है। लोडिंग ऑन ब्रिज एज पर आईआरसी के अनुसार, अगर लोड के बारे में बात किया जाए आईआरसी 6/2010 के अनुसार ब्रिज पे, तो डेड लोड आता है, लाइव लोड आता है, विंड लोड आता है, अर्थक्वेक लोड आता है, आपका अर्थ प्रेशर आता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आता है, वाटर करंट के कारण से इंपैक्ट लोड, स्नो लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड, तो ये सभी लोड जो है आपका लगता है ब्रिजेस पे अकॉर्डिंग टू आईआरसी 6/2010 के अनुसार। अकॉर्डिंग टू रेलवे, रेलवे के अनुसार अगर बात किया जाए तो मेजर ब्रिज जो है ये टोटल वाटर वे अगर मोर देन 18 मीटर है, हैविंग एनी स्पैन क्लियर वाटर वे 12 मीटर या उससे ज़्यादा होता है तो उसको मेजर ब्रिज कहते हैं। माइनर ब्रिज कब कहते हैं? जब टोटल वाटर वे लेस देन 18 मीटर हो या कोई भी स्पैन ऑफ क्लियर वाटर वे जो है लेस देन 12 मीटर हो तो उसको माइनर ब्रिज कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट ब्रिज जब टोटल मेजर ब्रिज ऑफ टोटल वाटर वे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 मीटर हो या 110 मीटर स्क्वायर हो तो उसको जो है इम्पॉर्टेंट ब्रिज के तौर पे लेकर चलते हैं। कलवर्ट का बात किया जाए तो स्पैन लेंथ जो है आपका 6 से कम होता है, मीन माइनर ब्रिज का 6 से 60 मीटर, मेजर ब्रिज का एवव 60 मीटर और लॉन्ग स्पैन ब्रिज का जो है एवव 120 मीटर आपका होता है। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर जो होता है इसका बनाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स होता है ये बनाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेट। कलवर्ट एंड माइनर ब्रिज हैविंग लीनियर वाटर वे अप टू 30 मीटर, जो कलवर्ट और जो माइनर ब्रिज होता है उसका लीनियर वाटर वे जो होता है वो अप टू 30 मीटर तक होता है। मेजर ब्रिज हैविंग लीनियर वाटर वे एक्सक्लूडेड 30 मीटर बट स्टेबल रिवर एंड कनाल, है ना, ऑन स्टेबल रिवर एंड कनाल। इम्पॉर्टेंट ब्रिजेज के बारे में बात किया जाए तो इसका भी वाटर वे लीनियर वाटर वे जो है एक्सक्लूडेड होता है 30 मीटर, बट मेजर रिवर विच प्रजेंट सम प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी, जो कि कुछ वैसे रिवर्स होते हैं जिस पे जो है आपका प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी होता है, तो वो आपका इम्पॉर्टेंट ब्रिजेज में आपका आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिजेज, तो IRC 7/1971 के अनुसार बताता है कि एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन नंबर A/B, ठीक। यहाँ पे A जो है किलोमीटर इन विच स्ट्रक्चर सिचुएटेड और B जो है किलोमीटर वाइज है सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि 4th क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स है इन 9th किलोमीटर, यानी 9/4 आपका रिप्रेजेंटेशन जो है हो जाएगा। जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो इंस्क्राइब होता है आपका नियर द टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पारापेट के, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो है इंस्क्राइब होता है। जो स्ट्रक्चर्स होता है रेलिंग विदाउट पारापेट सेपरेट पिलर आर कंस्ट्रक्टेड इंस्क्राइब्ड द स्ट्रक्चर नंबर, स्ट्रक्चर नंबर में, एग्जांपल बिटवीन 4th and 5th कलवर्ट इन 30 मीटर और किलोमीटर
एनी न्यू कलवर्ट आर टू बी इंट्रोड्यूस, कोई भी न्यू कलवर्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिटवीन स्टोन 9 और 30 के बीच में, देन न्यू कलवर्ट विल बी आपका डिज़ाइन होगा एज ए 30x4-1 या 30x4-2 इस तरीके से। जो आइडियल ब्रिज है ये रिक्वायरमेंट होता है, आइडियल ब्रिज रिक्वायरमेंट होता है शुड बी सफिशिएंट एंड इफेक्टिव इकोनॉमिकल एस्थेटिकल साउंड एंड सेफ्टी एंड कन्वीनियंस प्राइमरी एंड फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कैचमेंट एरिया मैप के लिए अगर बात किया जाए तो प्रिपेयर्ड किया जाता है फ्रॉम टोपोग्राफिकल मैप ऑफ एसओआई सर्वे ऑफ इंडिया का, और ड्रॉन किया जाता है ऑफ द स्केल 1/50,000 और इंडिकेट कैचमेंट एरिया टू कंट्रीब्यूट वाटर एट साइट ना, कैचमेंट एरिया टू कंट्रीब्यूट वाटर एट साइट, ये कैचमेंट एरिया मैप होता है। कंटूर प्लान के बारे में बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो डिस्टेंस कंसर्न किया जाता है बाय प्लान आइदर साइड ऑफ साइट फॉर कैचमेंट एरिया वो होता है 3 km² के लिए 100 m, 15 किलोमीटर स्क्वायर के लिए 300 m, और 15 km² से ज़्यादा है तो 1500 m जो है लेकर चलते हैं डिस्टेंस। क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल स्केल जो है नॉट लेस देन 1/1000 और वर्टिकल स्केल नॉट लेस देन 1/100। इंडेक्स मैप स्मॉल रिवर के लिए 1/50,000 और लार्ज रिवर के लिए 1/25,000। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए प्लॉटेड किया जाता है विद हॉरिजॉन्टल स्केल नॉट लेस देन 1/2500 और वर्टिकल स्ट्रेस स्केल पे आपका नॉट लेस देन 1/1000। सॉइल प्रोफाइल मेजर कलवर्ट और माइनर ब्रिज के लिए सिंपल सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। मेजर के लिए अडॉप्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन अप टू डेप्थ इक्वल टू 1/5 times ऑफ द प्रोपोज्ड विड्थ, जो भी प्रोपोज्ड विड्थ आपका दिया गया है फाउंडेशन का विलो प्रोपोज बॉटम ऑफ फाउंडेशन उसके 1.5 times के इक्वल जो है डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करते हैं। ट्रैफिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाईवे ब्रिज अलाइनमेंट, स्मॉल ब्रिज के लिए स्मॉल एस्क्यू एंगल ब्रिज को अडॉप्ट करेंगे, लॉन्ग ब्रिज के लिए स्क्वायर क्रॉसिंग विद सुटेबल अप्रोचेज को करते हैं, सेंट्रल वर्ज के लिए यूज करते हैं टू सेपरेट ट्रैफिक ऑफ टू डायरेक्शन जो कि शुड बी आपका लेस देन होना चाहिए 1200 या बराबर होना चाहिए 1200 mm के। फुटपाथ फॉर मूवमेंट ऑफ पेडेस्ट्रियल रूरल एरिया में मिनिमम जो विड्थ होता है 1500 mm होता है जो कि 108% पर मिनट के हिसाब से लिया जाता है। इंक्रीज्ड एट रेट ऑफ 600 mm फॉर एवरी एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 54%, जैसे ही 54% का इंक्रीमेंट होगा एडिशन होगा कैपेसिटी में 600 mm जो हम लोग बढ़ा देंगे पर मिनट के हिसाब से जब चेंज होगा तब। रोड विड्थ अगर बात किया जाए तो व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए मिनिमम विड्थ जो है सिंगल लेन का 425 cm, टू लेन के लिए 750 cm और मल्टी लेन के लिए 350 cm फॉर एवरी लेन ओवर टू लेन। साइकिल के लिए विदाउट ओवरटेकिंग 200 cm और विद ओवरटेकिंग 300 cm हम लोग जो है रोडवे विड्थ जो है लेकर चलेंगे। जो रोडवे विड्थ है कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल, 100 व्हीकल पर आवर पर लेन है तो विड्थ जो है 3750 mm और साइकिल 3600 साइकिल पर डे फॉर टू लेन है तो 2000 mm लेकर चलेंगे रोडवे विड्थ को। सेफ्टी कर्व के बारे में बात किया जाए तो वो होता है 600 mm × 225 mm आइदर साइड ऑफ रोडवे, वो सेफ्टी कर्व के तौर पे लेकर चलते हैं। अगर हम लोग बात किया जाए साइट डिस्टेंस जो कि अडॉप्ट करते हैं तो साइट डिस्टेंस अडॉप्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रोड डिज़ाइन स्पीड एंड साइट डिस्टेंस। विलेज रोड के लिए डिज़ाइन स्पीड जो है
150 किलोमीटर पर आवर और साइड डिस्टेंस जो है 160 मीटर होता है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 165 किलोमीटर पर आवर डिज़ाइन स्पीड और साइड डिस्टेंस 180 मीटर। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए आपका जो डिज़ाइन स्पीड होता है 180 किलोमीटर पर आवर और साइड डिस्टेंस जो है 110 मीटर। नेशनल एंड स्टेट हाईवे के लिए आपका 100 किलोमीटर पर आवर और डिज़ाइन स्पीड और साइड डिस्टेंस जो है 150 मीटर। लेंथ ऑफ ब्रिज के बारे में बात किया जाए तो डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ टू एब्यूटमेंट लेंथ ऑफ ब्रिज एल इज इक्वल टू स्मॉल एन गुने स्मॉल एल प्लस एन माइनस वन गुने बी। एन जो है नंबर ऑफ स्पैन, स्मॉल एल जो है क्लियर स्पैन और एन माइनस वन जो है टोटल नंबर ऑफ पियर्स और बी जो है बिर्थ ऑफ पियर। यहाँ पे आपको ब्रिज को जब डिज़ाइन करते हैं फॉर फ्लड अकरिंग वंस इन 100 ईयर के बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन कलवर्ट फॉर फ्लड अकरिंग 20 ईयर्स इन वन टाइम्स। स्लैब डेक जो है यूज किया जाता है शॉर्ट स्पैन सच एज कलवर्ट के लिए, है ना। आपका टी बीम और स्लैब डेक जो है मिनिमम स्पैन 10 से 20 मीटर रेंज होना चाहिए। ब्लो स्ट्रिंग गीडर जो टाइप होता है ये रोड ब्रिज स्पैन के लिए यूज किया जाता है जिसका रेंज जो है 25 से 35 मीटर आपका होता है। सब स्ट्रक्चर अब्यूटमेंट अब्यूटमेंट पियर्स और विंग वॉल्स होता है। अब्यूटमेंट जो है ये इंड सपोर्ट होता है ब्रिज का और रिटेन होता है अर्थ फिल पे एंड ट्रांसमिट करता है रिएक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर का। टाइप्स ऑफ अब्यूटमेंट के बारे में बात किया जाए तो अब्यूटमेंट विद विंग वॉल्स सिंग विद स्ट्रेट विंग वॉल अडॉप्ट किया जाता है फॉर रेलवे और स्ट्रीट क्रॉसिंग के लिए। अनसुटेबल होता है ब्रिज फॉर वाटरवे विद वाटरवे के लिए। वाटरवे के लिए ये जो है आपका क्या होता है अनसुटेबल आपका होता है। क्या होता है अनसुटेबल आपका होता है। विद स्प्लेड विंग वॉल जो सुटेबल होता है फॉर ब्रिज विद वाटरवे बिकॉज इट गिव स्मूथ एंट्री एंड एग्जिट। स्मूथ एंट्री और एग्जिट जो है देता है तो अब्यूटमेंट विद स्प्लेड विंग वॉल ये आपका वाटरवे के लिए यूजफुल ब्रिज होता है। अब्यूटमेंट विद रिटर्न विंग वॉल ये यू अब्यूटमेंट होता है जो कि अनसुटेबल होता है रिवर और स्ट्रीम जो कि सब्जेक्टेड होता है हैवी फ्लड में, वहाँ पे जो है ये अनसुटेबल होता है। अब्यूटमेंट विदाउट विंग वॉल विदाउट विंग वॉल विद स्ट्रेट अब्यूटमेंट ये यूजफुल होता है फॉर विदाउट वाटरवे और नेग्लिजिएबल वाटरवे के लिए। और टी अब्यूटमेंट जो है आपका इसका होता है। बात किया जाए रिकमेंडेड फेस बैटर फॉर डिफरेंट हाइट। हाइट अप टू 16 मीटर है तो फेस बैटर जो है वर्टिकल होगा। 16 मीटर से 12 मीटर है तो 1:24, 12 से 18 मीटर है तो 1:12 और एबव 18 मीटर है तो आपका जो है आपका 1:16 होता है। डायमेंशन ऑफ एन अब्यूटमेंट हाइट, हाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो फिक्स्ड होता है आप बाय द डिफरेंस बिटवीन वेड लेवल ऑफ रिवर, रिवर के वेड लेवल बैंक का और फॉर्मेशन लेवल ऑफ रोड के जो डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, उस वही जो है आपका हाइट हो जाता है। बैटर, बैटर जो है ये आपका ड्राइविंग पाइल होता है जो कि एंगल एन एंगल टू विद स्टैंड द वर्टिकल लैटरल फोर्स इन ग्रुप ऑफ पाइल। जो अकॉर्डिंग टू अगर बात किया जाए ट्रेंट विंस फार्मूला के अनुसार तो वैटर ऑन अर्थ साइड जो होगा 1:24 इंटू राइज बाई स्पैन आपका होता है। टॉप विड्थ जो है आपका E इज इक्वल टू आर बाई 5 प्लस ए बाई 10 प्लस 0.6। आर जो है रेडियस ऑफ सॉफिट है और ए जो है राइज इन मीटर है और लेंथ जो है वो आपका ओवरऑल विड्थ ऑफ ब्रिज इंक्लूडिंग फुटपाथ, तो वो आपका जो है लेंथ ऑफ ब्रिज आपका आ जाता, लेंथ ऑफ अब्यूटमेंट आपका आ जाता है। पियर, पियर जो है ये इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है ब्रिज का। इसका डायमेंशन बैटर का जो है 1:12 टू 1:24 होता है
लो पीयर ग्रेटर वैल्यू, हाई पीयर स्मॉलर वैल्यू आपका बैटर का होता है। हाइट जो है सेम होता है एज पर एब्यूटमेंट, एब्यूटमेंट के अनुसार सफिशियंट फ्री बोर्ड और क्लियरेंस जो होते हैं आपका टू एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1000 mm टू 1500 mm वो मेंटेन किया जाता है फ्री बोर्ड या क्लियरेंस को सफिशियंटली। जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है विड्थ ऑफ ब्रिज इंक्लूड एक्सक्लूडिंग कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन को एक्सक्लूड करके, प्लस जो विड्थ होता है कट वाटर एंड केस वाटर, इन दोनों का जो समेशन होता है उसके इक्वल होता है लेंथ। टॉप विड्थ जो है डिपेंड करता है स्पैन के ऊपर और शुड भी सफिशियंट होना चाहिए ताकि एकोमोडेट किया जा सके टू बियरिंग ऑफ पियर विद क्लियरेंस अबाउट 150 mm, 150 mm के। यूजुअली जो मिनिमम विड्थ होता है 750 mm जो है लेकर चलते हैं टॉप विड्थ को। कलवर्ट एंड काउजवे, वाटर वे ऑफ कलवर्ट जनरल प्रिंसिपल जो होता है वो एज्यूम किया जाता है शुड बी फ्लो हाफ फुल, हाफ फुल एज्यूम किया जाता है व्हेन अप्रोच चैनल वाइड एंड नैरो, है ना, जो अप्रोच चैनल होता है वाइड या नैरो होता है तब। एडिक्वेट क्यूजन एबव द टॉप ऑफ कलवर्ट एंड जो वेलोसिटी होता है थ्रू कलवर्ट वो लिमिटेड होता है आपका 150 cm/s। एरिया ऑफ वाटर वे फॉर कैचमेंट एरिया अप टू 40 hectare, एरिया इज इक्वल टू 0.096, जो कि सूटेबल होता है डेकन कंडीशन के लिए, और परमिसिबल वेलोसिटी जो होता है ना, वो आपका 3000 mm/s होता है। सी फॉर कैचमेंट एरिया होता है और एरिया इज इक्वल टू होता है 0.029 फॉर नॉर्थ गुजरात कंडीशन के लिए, जिसमें परमिसिबल वेलोसिटी जो है 1500 mm/s लेकर चलते हैं। कैचमेंट एरिया अगर 280 hectare है कैचमेंट एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया ऑफ वाटर वे इज इक्वल टू 0.05 c + 1.63, जो कि सूटेबल होता है एवब ए ए कंडीशन के लिए। तो ए क्या था, ए कंडीशन था सूटेबल फॉर डेकन कंडीशन, और बी जो है एरिया ऑफ वाटर वे आपका हो जाएगा 0.0255 + 0.63, ये सूटेबल होता है आपका बी कंडीशन के लिए यानी नॉर्थ गुजरात जो आपका कंडीशन है वो उसके लिए। टाइप ऑफ कलवर्ट आर्च कलवर्ट, इसका जो स्पैन होता है वो 2 से 6 meter होता है। बॉक्स कलवर्ट, इसका हाइट जो है रेयरली एक्सीड करता है 3 meter तक, और ये इंडिविजुअल स्पैन रेंजिंग होता है 1 से 4 meter तक का, और ग्रेटर देन 6 meter है तो ग्रेटर थिकनेस रिक्वायर्ड होता है जो कि अन इकोनॉमिकल हमारा हो जाता है। पाइप कलवर्ट, जिसका डायमीटर जो है पाइप का वो ग्रेटर देन 300 mm होता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर लो डिस्चार्ज के लिए, जो कि लगभग आपका 10 m³/s होता है। कास्ट आयरन पाइप जो होता है वो सूटेबल होता है 750 mm के लिए, और RCC पाइप जो है ये सूटेबल होता है आपका 1800 mm के लिए। स्लैब कलवर्ट जो है ये सिंपल स्लैब कलवर्ट होता है, जो कि सूटेबल होता है अप टू 2.5 meter के लिए, और डेक टाइप जो होता है वो अप टू 8 meter तक सूटेबल होता है। ब्रिज लोडिंग स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट लोडिंग स्टैंडर्ड IRC 6 इन इंडिया, जो कि पब्लिश किया गया था इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा 1958 में, IRC जो है ब्रिज लोडिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्क्राइब करता है रिकमेंड करता है। इंडियन रोड कांग्रेस क्लास AA लोड के लिए भी अलग वैल्यू आपका होता है, मतलब ये डिस्क्राइब किया जाता है। इम्पैक्ट फैक्टर अगर बात किया जाए तो इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार फर्स्ट कंडीशन फॉर क्लास ए एंड बी लोडिंग के लिए जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसका फॉर्मूला होता है A/B + L। L जो है लेंथ होता है, A जो है कांस्टेंट होता है फॉर ब्रिज, RCC ब्रिज के लिए 4.5 और स्टील ब्रिज के लिए 9 होता है, और B जो है कांस्टेंट होता है RCC ब्रिज के लिए 6 और स्टील ब्रिज के लिए 13.5।
ये अकॉर्डिंग टू IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार होता है। फॉर अ स्पैन लेस देन 3 मीटर जो इम्पैक्ट फैक्टर है ना, जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो आपका 0.5 होता है फॉर RCC ब्रिज, और स्टील ब्रिज के लिए इम्पैक्ट फैक्टर जो है 0.545 होता है, और अगर स्पैन एक्सीड करता है 45 मीटर का तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है आपका 0.088 होता है फॉर RCC ब्रिज के लिए, और इम्पैक्ट फैक्टर होता है स्टील ब्रिज के लिए 0.154। बात किया जाए क्लास AA और TOR लोडिंग के लिए, स्पैन अगर लेस देन 9 मीटर है तो फोर ट्रैकल्ड व्हीकल के लिए 25% ऑफ स्पैन अप टू 5 मीटर लीनियर जो कि रिड्यूस होता है आपका 10% ऑफ स्पैन ऑफ 9 मीटर, और अगर व्हील्ड व्हीकल है 25% होगा फॉर स्पैन ग्रेटर देन 9 मीटर या इक्वल टू, तो फोर ट्रैकल्ड व्हीकल RCC ब्रिज के लिए 10% होता है अप टू 40 मीटर, और स्टील ब्रिज के लिए 25% होता है स्पैन अप टू 23 मीटर। AASTHO लोडिंग डी वार जो है आपका 50/L+25 होता है। फोर ब्रिज स्लैब के लिए, ब्रिज स्लैब के लिए अगर बात किया जाए तो जो अमाउंट होता है ट्रावर्स रेनफोर्समेंट का वो लिया जाता है 0.3%, कितना 0.3% ऑफ ग्रॉस कंक्रीट एरिया, क्या ग्रॉस कंक्रीट एरिया के, द प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज डेक आर जनरली कंप्राइज ऑफ प्री कास्ट प्री टेंशनड यूनिट आपका जो है कंप्राइज आपका होता है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैरीमैन्स फार्मूला जो कि आपका हाइट ऑफ एफ्लक्स को डिसाइड करता है, तो V² / 2G (whole A/CA) का होल पावर 2 माइनस A/A1। यहाँ पे अगर बात किया जाए V का तो V जो है वेलोसिटी ड्यू टू एफ्लक्स है जिसका फॉर्मूला होता है √2GHA, जो है हाइट ऑफ एफ्लक्स होता है। मोल्स वर्थ फार्मूला HA = V² / 17G + 0.015 × A/CA² - A। A जो है यहाँ पे नेचुरल वाटर वे होता है, A1 जो है लीनियर वाटर वे है, और CA जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड एरिया होता है। डेकन फार्मूला के लिए, डिस्चार्ज के लिए फार्मूला होता है C × A³/4। तो A जो है एरिया ऑफ कैचमेंट होता है और C जो है कांस्टेंट होता है। ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है नॉर्थ इंडिया में। रेविंस फार्मूला Discharge = C × A²³/3 ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ साउथ इंडिया में। और इंग्लिश फार्मूला जिसका डिस्चार्ज का फार्मूला होता है 123.2 × √A या फिर 123 × A/√A+10.4 ये एप्लीकेबल होता है महाराष्ट्र रीजन के लिए। नवाब जंग बहादुर उर्ज फार्मूला डिस्चार्ज निकालने के लिए फार्मूला होता है C × A₁³/0.93 − 1/4 log A₁। ये एप्लीकेबल होता है नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही रीजन में, ये एप्लीकेबल होता है डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। बियरिंग जो है एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो मेन गियर है ड्यू टू डिफ्लेक्शन टेम्परेचर वर्टिकल मूवमेंट ड्यू टू सिंकिंग सपोर्ट श्रिंकेज प्री स्ट्रेस क्रेप एक्सेट्रा इन सभी में जो भी चेंजेज आती है तो उससे सपोर्ट करने के लिए उसे प्रोवाइड किया जाता है बियरिंग को, एंड साथ ही साथ लोड को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर के लिए भी जो है बियरिंग का यूज किया जाता है इन सच अ वे डैट बियरिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड। इसका तरीके से किया जाता है कि बियरिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो इन सब स्ट्रक्चर विद इन परमिशनल लिमिट, जिस परमिशनल लिमिट में दिया गया है उस परमिशनल लिमिट में। बात किया जाए टाइप्स ऑफ बियरिंग का
तो सीमेंट मोटार पैड होता है जो कि फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड बियरिंग होता है फॉर रोड गीडर ब्रिज के लिए, जिसका स्पैन छोटा होता है। ये 30 mm थिक सीमेंट ग्राउट पैड होता है जिसका रेशियो 1:1 होता है। जो डॉवेल बार होता है ये आपका 25 mm डिज़ाइन किया जाता है टू टेक अप द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स शियर के, और ये आपका जो है इंक्रीज करता है लोड ट्रांसफ़र एफिशिएंसी को, क्या करता है लोड ट्रांसफ़र एफिशिएंसी को क्या करता है इंक्रीज करता है। डॉवेल बार के बारे में बात किया जाए तो ये शॉर्ट स्टील वार होता है डैट प्रोवाइड मैकेनिकल कनेक्शन, जो कि मैकेनिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्लैब विदाउट रीस्ट्रेनिंग, बिना रीस्ट्रेनिंग के हॉरिजॉन्टल जॉइंट मूवमेंट के साथ जो है ये आपका एक मैकेनिकल कनेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। एक्सपेंशन बियरिंग ये अलाउ करता है एंगुलर और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को ऑफ गीडर का। नकल बियरिंग जो है ये प्रोवाइड करता है ओनली एंगुलर मूवमेंट ऑफ गीडर को। रॉकर एंड रोलिंग बियरिंग, ये जो बियरिंग होता है जनरली रिकमेंडेड होता है व्हेन लेंथ ऑफ स्पैन एक्सीड 15 meters और सो, मतलब 15 meters या उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है लेंथ ऑफ स्पैन, तो रॉकर एंड रोलर बियरिंग हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। रॉकर बियरिंग जो है फॉर स्पैन ग्रेटर देन 20 meters या उससे ज़्यादा होता है तो रॉकर बियरिंग हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं एट वंस एंड एंड अदर एंड रोलर एंड रॉकर बियरिंग, है ना। एक एंड पे हम लोग क्या करते हैं रॉकर बियरिंग प्रोवाइड करते हैं और दूसरे या अदर एंड पे जो है रोलर एंड रॉकर बियरिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। ये अलाउ करता है फ्री एंगुलर मूवमेंट को मेन गिर्डर का। रबर बियरिंग ये सिंथेटिक रबर का होता है जो कि नेफलिन कैन बी सक्सेसफुली यूज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ रबर प्लेट। ये थिकन प्लेट होता है एट वन एंड और थिनर प्लेट होता है एट अदर एंड, देन जो फॉर्मर एक्ट होता है वो आपका फ्री बियरिंग के तौर पे एक्ट होता है और लेटर जो है ये फिक्स्ड बियरिंग के तौर पे ये एक्ट होने लगता है। इसमें आता है न्यूप्रीन बियरिंग जो कि आपका रबर बियरिंग का ही जो है एक टाइप्स है। तो आई होप कि आज का जो सेशंस था ब्रिज इंजीनियरिंग ये आपको जो है समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच।